assalamu alaikum students this is your own sir sir amir ali Chandu. today i will teach you or how to solve another exercise of this book book for book secondary stage book for class 9th for sindh province all boards of the sindh province all five boards so i will teach you how to solve the exercise of एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट फोर यूनिट वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज इज अबाउट कम्पोजिशन इसमें कंपोजिशन कैसे की जाती है बताया गया है दो इसमें कम्पोजिशन के तरीके बताए गए मतलब एक ऐसे कैसे लिखा जाता है हाउ टू राइट एन एसे ऐसे राइटिंग और दूसरा लेटर राइटिंग लेटर टू एडिटर्स ठीक है ये दो चीज़ें बताई गई हैं तो हम पहले मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज यूनिट वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज जो बुक में मौजूद है वो मैं दिखा दूँ ये एक्सरसाइज दी गई है बुक में ठीक है एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे बताया गया है उसके इसका डिस्क्रिप्टिव का डिज़र्ट्स के बारे में बताया गया है पूरा एक ऐसे दिया गया है और चंद एसेज आप लोगों को बताए गए हैं किए जा करने हैं आप लोगों ने और उसके अलावा दो लेटर लिख के बताए गए हैं और फिर बताया गया है कि आप लोगों को ये लेटर करना है आए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव एसे के बारे में वैसे ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है कि डिस्क्रिप्टिव एसे है क्या डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन की मतलब यही है कि किसी चीज़ को आपने देखा किसी पर्सन को आपने देखा किसी जगह को आपने देखा या किसी ऑब्जेक्ट uh, थिंग को आपने देखा शेय को चीज़ को आपने देखा कोई भी चीज़ जगह पर्सन पर्सन प्लेस और एनी या इंसान जगह या किसी चीज़ को आपने देखा उसको बयान करें आप लोग कि वो कैसा है शख्स या कैसी जगह है आपको या कैसा मतलब आपकी वो चीज़ लगी उसका स्केच देना है उसकी मतलब ऐसे समझें कि एक आ, पिक्चर देनी है रीडर्स के माइंड में ऐसा ऐसे बयान करें कि उनकी सारी चीज़ें जैसे पर्सन को आप बयान कर रहे हैं तो उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन दें पहले तो जनरल बताएं कि पर्सनालिटीज़ है क्या फिर एक पर्सन पे आएँ फिर उनकी फ़िज़िकल फीचर फिर उनका मतलब जो फिज़िकल uh, स्ट्रक्चर है उसके बाद उनके जो अंदरूनी ट्रेड्स हैं वो सारी चीज़ें आप लोग बताएं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज वैसे ये मेन डेफिनेशन ये मैं दी गई है पर्सन एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे बयान करता है किसी पर्सन को प्लेस को या चीज़ को इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द पर्सन इनमें इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं पर्सन के बारे में जगह के बारे में या किसी चीज के बारे में इस तरीके से देट द रीडर कैन के क्रिएट अ पिक्चर इन देअर माइंड मतलब रीडर अपने माइंड में पिक्चर बना देता है कि भाई हाँ ये बात है अबाउट द ऑब्जेक्ट बींग डिस्क्राइब जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में पिक्चर मतलब आ जाए ऐसा ऐसे लिखें आप लोग ठीक है so, सो ऐसे लिखने के तरीके भी बताए गए हैं जनरल डिस्क्रिप्शन मूविंग फॉर्मल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जनरल डिस्क्रप्शन दे किसी जगह की भाई हिस्टोरिकल प्लेस है फॉर एग्जाम्पल तो हिस्टोरिकल प्लेस होती क्या है उसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन दें कि हिस्टोरिकल प्लेसेस किस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनमें उनको देखने के लिए हमें क्या चीज़ें मिलती हैं वगैरह फिर स्पेसिफ़िक पे आएँ कि आपकी जो हिस्टोरिकल प्लेस कौन सी बेहतरीन है आपको जो अच्छी लगी तो उसके बारे में फिर फ़िज़िकल फीचर बताएँ उनकी क्वालिटीज़ बताएँ उनको कब बनाया किसने बनाया किस मकसद से बनाया वगैरह वगैरह क्यों आपको खूबसूरत लगी वगैरह वगैरह या फॉर एग्जांपल आप किसी जगह को देख रहे हैं आप किसी एरिया को देख रहे हैं आप उस एरिया के बारे में आप बता रहे हैं कि इस जगह में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी वगैरह जैसे तो माई विलेज है या प्ले ग्राउंड इस्कूल प्ले ग्राउंड है या क्या वो सीनिक प्लेस कोई और जगह होती है जैसे मरी हिल्स हैं या मरगला हिल्स हैं या कोई और जगह आप उसके बारे में बताएंगे एक जो पहले जनरल बताएंगे कि हिल्स क्या है फिर बताएंगे कि आपको मरगला हिल्स क्यों पसंद मरगला हिल्स क्या है मरगला हिल्स आपको पसंद क्यों है ठीक है तो जनरल डिस्क्रिप्शन पर्सन के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस बिल्ड क्लॉस एक्सप्रेशन ई टी सी पर्सनॉल्टी ई जी हैबिट्स एटीट्यूड्स बिहेवियर ठीक है उसके बाद है ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक अच्छा फाइनल डिटेल्स ऑफ साइज कलर शेप टेक्स्चर स्ट्रक्चर ई टी सी एटमोसफेयर ऑफ अ प्लेस क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है ये आप देते हैं उसके बाद यूज़ अप्रोप्रेट एडजेक्टिव वगैरह अच्छा ये बताया गया है कि आप इसको कैसे ऐसे लिखें मतलब ठीक है ना तो एक इंडिविजुअली डिस्कस करें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दें थीसिस दे दें स्टेटमेंट दे दें दे, मतलब ये बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ये सब बताया गया है अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस वैसे आप लोग माइंड में रखें कि ऐसे डिवाइड होता है पैराग्राफ्स में तो यहाँ पे जो नाइन्थ में ऐसे दिया गया है ऐटलीस्ट आप लोगों के फोर पैराग्राफ होने चाहिए इंट्रोडक्शन बॉडी में दो पैराग्राफ्स और कंक्लूजन एक लास्ट पैराग्राफ ठीक है तो हर पैराग्राफ को आप लोग एटलीस्ट सेवन सेंटेंस में डिवाइड करें हर पैराग्राफ को सेवन सेंटेंस तो पहला जो पैराग्राफ हो वो टॉपिक सेंटेंस हो बाकी जो छह सेंटेंस हैं उस टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करें कि ये सही बात है अच्छा जो पेर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं सात सेंटेंस लिख रहे हैं तो एक टॉपिक सेंटेंस है बाकी उसको प्रूव कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस हो उससे दूसरी मतलब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करें तो तसलसल जुड़ा रहे मतलब चेन बनी रहे एक दूसरे से ठीक है तो ये आप लोगों को एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे बताया गया है डिज़र्ट्स के बारे में सो so, डिज़र्ट्स के बारे में एक जैसे कि मैं बता रहा हूँ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजाइन वॉट आर डिज़र्ट्स लुक लाइक विदाउट हैविंग सीन वन ये मतलब मुश्किल होता है कि डिज़र्ट्स कैसे नज़र आते हैं जब आप डिज़र्ट्स को देखते भी नहीं हैं ऐसे ही ठीक है अच्छा आप डिज़र्ट्स के बारे में बताएगा कि कैसे नज़र आता है ये स्टेटमेंट वाला कौन सा सेंटेंस कौन सा है आ, पहला टॉपिक सेंटेंस कौन सा है कि भई ये मुश्किल है तस्वर मिलाना कि डिजर्ट्स कैसे होते हैं जब हमको देखते नहीं हैं तो मतलब बिना देखे हुए अब ये बता रहा है कि डिजर्ट कैसे होते हैं ये आप लोगों के माइंड में अभी मेजर इस सेंटेंस को प्रूव करेगा देखें बाकी सेंटेंस जो है इस सेंटेंस को प्रूव करेंगे अ डिजर्ट इज़ अ वर्स्ट प्लान ऑफ सेंट्स एंड स्टोन एक डिज़र्ट वास्ट प्लान ऑफ सेंट्स होती है रेती कवड़ा मैदान होता है और पत्थरों का मैदान होता है हैविंग सम माउंटेंस एंड हिल्स ऑफ वेरियस साइज इन हाइट्स हाइट्स कुछ माउंटेंस पहाड़ियाँ होती हैं और कुछ छोटी छोटी पहाड़ टकरियाँ होती हैं और उन वेरियस साइज़ होती हैं उनकी हाइट्स में भी और थोड़ी मतलब वर्थ uh, में भी दे आर यूजअली विदाउट रोड्स और शेल्टर्स वहाँ पर रोड्स नहीं होते हैं इस रहती रहती होती है रोड बन भी नहीं सकते हैं वहाँ पर और शेल्टर्स मतलब वहाँ पर साया भी नहीं होता कोई दरख्त भी नहीं होते हैं समटाइम डिजर्ट्स है स्प्रिंग्स ऑफ वाटर कभी कभार कहीं कहीं पे जो सहरा में बयाबान में आपको पानी के फुहार मिलेंगे कहीं कहीं पे नदियाँ मिलेंगी थोटी छोटी छोटी नहरें फुहार वुच क्रिएट ग्रीन सॉरी वुच क्रिएट ग्रीन जैसे ग्रीन ग्रॉसी स्पॉट्स घास वाली स्पॉट्स बनती है विद अ फ्यू ट्रीज कुछ दरख्त भी होते हैं वन ऑफ़ द मोस्ट रिमार्केबल डिज़र्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ द सहारा डिजर्ट्स एक सबसे बेहतरीन डिजर्ट है वो सारा डिजर्ट है तो देखें ना पहला सेंटेंस जो है यहाँ पेफिकल्ट डिजर्ट लुक्स लाइक विदाउट हैविंग सीन वन तो मतलब डिजर्ट की शेप बताई गई है पहले पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस में और उसके पहले पैराग्राफ को बाकी अच्छा स्प्रिंग्स ऑफ वाटर बताया गया अब दूसरा सेंटेंस देखें किसके बारे में है स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर फ्यू एंड फॉर अपॉट इन द दिजर्ट अच्छा दूसरा पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस ये है जो डिज़र्ट्स में पानी का पानी बहुत कम होता है पानी की फुहार पानी की नहर बहुत कम होती है और दूर दूर होती है अब सारे सेंटेंस जितने भी हैं वो इसको प्रूव करेंगे कि भाई कैसे पानी की नहर कम होती है और दूर दूर तक होती है वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर एन इज फॉर्म जहाँ जहाँ पे पानी की नहर होती है टॉपिक सेंटेंस पानी है पानी की फुहार या पानी की नहर नदी तो उसको ही प्रूव करना है कि कभी कभी पानी की नहर या नदी मिलती है डेजर्ट्स में तो आप बताएगा कि जहाँ जहाँ पे पानी की नहर होती है वहाँ पे एक ऑसिस फार्म होता है ऑसिस मतलब वहाँ पे ग्रीनरी कुछ साया होता है वहाँ पे एन ऑसिस इज़ एन एरिया इन द डेज़र्ट वेयर देयर इज़ अ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो एसिस एक बयाबान सिहरा के दरमियान एक एरिया होती है जहाँ पे पानी भी होता है और प्लांट भी ग्रो होते हैं इट इज़ अ प्लेस वेयर टायर्ड ट्रेवल्स ट्रेवलर्स एंड देयर एनिमल्स कुंंच देयर थ्रिस्ट एंड फाइंड अ शेडी प्लेस टू रेस्ट वो वो जगह होती है जो पानी के फुहार से बनती है ओसेज जहाँ पे जो थके हुए लोग होते हैं वहाँ से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं क्विंच मतलब बिजाना वे वर इट और आराम भी करते हैं पान आ, लोग भी और जानवर भी वेर इट नॉट फॉर दीज स्मॉल स्प्रिंग्स एंड शेडी प्लेस नो ह्यूमेन बींगच ऑफ बर्निंग सें अगर ये पानी की फुहार ना होती छोटी छोटी पानी की फुहार नदियाँ नहरें ना होती या प्लेज शेडी प्लेस साए वाले दरख्त ना होते तो इस बड़े सेहरा बयाबान को लोग क्रॉस नहीं कर पाते टू बी थ्रिस्टी इन अ डिज़र्ट विदाउट वाटर एक्सपोज टू द बर्निंग सन विदाउट शेल्टर ठीक है टू बी थ्रिस्टी इन अ डिज़र्ट विदाउट वाटर जो प्यासा होता है मतलब पानी में सहरा के बाद एक्सपोज टू द बर्निंग सन विदाउट शेल्टर वो बिल्कुल खुला हुआ होता है क्यों प्यास बढ़ती है क्योंकि बर्निंग सन जो, जो सूरज की तपिश वाली किरण होती है ना वो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सफरिंग दैट ह्यूमन बींग कैन बी एक्सपोज टू मतलब ये दो सफरिंग्स हैं एक तो पानी का प्यास बढ़ती है जब सूरज की रोशनी ऊपर आती है यही मतलब बड़ी सफरिंग्स हैं डिजर्ट्स में ठीक है जो बुझ जाती है किससे वो पानी की फुआ अच्छा दो तो टॉपिक सेंटेंस को एक्सपोज कर रहे हैं एक, एक्सप्लेन कर रहे हैं माइंड में रखिएगा एक सेंटेंस होता है एक टॉपिक सेंटेंस होता है की सेंटेंस या पॉइंट उसकी सेंटेंस पॉइंट को फिर बयान करते हैं दूसरे पैराग्राफ तो चार पैराग्राफ पर एसेज तीन एस, या ए चार पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए अच्छा आप देखते हैं कौन सा टॉपिक सेंटेंस है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डिजर्ट अब टॉपिक सेंटेंस कौन सा है ये टॉपिक सेंटेंस है भाई एक मोस्ट डिजर्ट जो है वो सहारा डिजर्ट है अब सहारा डिजर्ट को इस पैराग्राफ में बयान किया जाएगा सहारा डिजर्ट के बारे में बताया जाएगा दिस डिजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन ये एक बड़ा कुशादा कुशादी ज़मीन है बट इज स्लाइटली द सी लेवल लेकिन थोड़ा सी लेवल के ऊपर है सी के मतलब लेवल पे इट इज़ दरिया के समंदर की लेवल पे इट इज़ कवर्ड विद सेंड एंड ग्रेवल ये कवर्ड है सेंड और ग्रेवल से अच्छा विद अ मिक्सचर ऑफ सी शेल्स एंड लुक्स लाइक द बेसिन ऑफ एन एवेपोरेटेड सी मतलब उसको सी शेप्स से मिक्स है मतलब वो जो नजर आता है जैसे कि पानी के कतरे ऊपर बह रहे हैं बस बरस रहे हैं इसी तरह से नजर आ रहा है एट द डिजर्ट्स देयर आर स्प्रिंग ऑफ द वाटर एंड ऑसेज बीच में दरमियान में वहाँ पे सहारा डिजर्ट के दरमियान कुछ ऑसिज ऑसिज हैं जैसे ऊपर बताए गए हैं ठीक है ना पानी के फुहार भी हैं ओसेज भी हैं देर आर थर्टी टू ऑफ दीज डेट कंटेन फाउंटेंस एंड डेट पाम्स थर्टी टू मतलब बताए गए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई गई हैं वहाँ पे दरख्त होते हैं खजूर के दरख्त होते हैं ट्वेंटी ऑफ दे एमारेबिटेड दस सून में कोई आदमी नहीं रहता मतलब दस जो है वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता बाकी बारह पे लोग रहते हैं दे सर्व एंड स्टॉपिंग सॉरी दे सर्व एंड स्टॉपिंग प्लेसेस फॉर फार कारवांस कारवांस काफिले जो जाते हैं उस डिज़र्ट्स को पार करने के लिए उसके लिए मतलब वो एज अ मतलब रुकते हैं वो यहाँ पे ठीक है अच्छा लास्ट पैराग्राफ भी देखें टू कंक्लूड कंक्लूड जन भी होगा इसका आखिरी वास्ट एरियाज ऑफ जस्ट सेंड विद नो ट्रीज आर फॉरेस्ट अब ये है टॉपिक सेंटेंस डिजर्ट वास्ट एरिया है जहाँ पे दरख्त और वो नहीं होते हैं फॉरेस्ट द ओनली प्लेस वेयर अ फ्यू ट्रीज एंड सम ग्रास कैन बी फाउंड आर द ऑसिस और वहां पे मतलब कंक्लूड मतलब तीनों पैराग्राफ को मिलाना मिक्स करना ठीक है कौन उनमें तीनों पैराग्राफ में आप लोगों ने कौन सी चीज़ें बताई हैं जहाँ पे कुछ घास ग्रास मिलता है घास मिलती है तो उसको सिज्स कहते हैं वेद द टायर्ड एंड थ्रिस्टी ट्रेवल्स कैन रेस्ट वहाँ पर टायर्ड एंड थ्रिस्टी के ट्रेवल रेस्ट करते हैं ट्रेवलिंग इन द डिज़र्ट यूज टू तो बीस एंड सम्स स्टिल इज़ वेरी रिस्की एंड लैक ऑफ वाटर कैन लीड टू सफरिंग एंड डेथ अच्छा वहाँ पर सफ़र करना डिज़र्ट में बहुत मुश्किल होता है पानी की कमी बहुत किल्लत महसूस होती है अगर पानी कम मिल जाए तो लोग मर भी सकते हैं ठीक है हाई ओवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग अच्छा लास्ट वाला सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव मेंस मतलब उनमें पॉजिटिवनेस आपके लाएँ ये जो आखिरी देखें हाई ओवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सेटेलाइट फोन्स एंड एडवांस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ग्रेटली रिड्यूज द रिस्क एंड सफरिंग्स अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने रिस्क और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ uh, कम हुई है मतलब वहाँ पे uh, ठीक है तो ये पॉजिटिव मतलब मॉडर्न टेस्ट टेलीफोन की वजह से लोगों को बुला भी सकते हैं डिजर्ट्स वाले ये थोड़ी पॉजिटिव आपकी लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए तो ये था डिस्क्रिप्टिव ऐसे सो यहाँ पे कुछ और डिस्क्रिप्टिव ऐसे बताए गए हैं कि आपने ये लिखने हैं माय विलेज टाउन अपने विलेज के बारे में लिखें इस तरीके से बयान करें पहले जनरल दें कि विलेज होते क्या हैं विलेज में एटमॉस्फेयर कैसा होता है क्या होता है फिर आप अपने स्पेसिफिक विलेज के पास लेकर जाएँ और अपने विलेज की डिस्क्रिप्शन बताएँ फ़िज़िकल फीचर बताएँ कि आपका विलेज कैसा है ठीक है और वहाँ का एटमॉसफेयर बताएँ और लास्ट में उन तीनों पैराग्राफ को कंक्लूड करें चौथे पैराग्राफ में हिस्टोरिकल प्लेस भी यही है पहले देनी चाहिए हिस्टोरिकल प्लेस क्या होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और आपने कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किया स्पेसिफ़िक में लेकर जाए वहाँ वहाँ पे आपने क्या क्या फ़िज़िकल फ़ीचर्स देखी वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था फिर कंक्लूड करें सेम ही चारों जो है ऐसी वगैरह अच्छा ब्रेन स्टॉम ऑफ आइडियाज़ ब्रेन स्टॉम फॉर आइडियाज आइडियाज ब्रेन स्टॉम करें सेलेक्ट द आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन दिस फिर सेलेक्ट करें आइडियाज़ जो आपने आइडियाज ब्रेन स्टार्म किए हैं एक गोल गोल दायरा बनाए ब्रेन बनाए उसमें से आइडियाज निकालें ठीक है मैंने बनाया है मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर सिलेक्ट करें कि कौन सा आइडिया इनोट्रेक्ट्री है कौन सा आइडिया थी कंक्लूजन है थीसिस लास्ट थीसिस स्टेटमेंट है या कौन सा बॉडी में रखें वगैरह वगैरह ठीक है यूज़ अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक एरिया राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस एविडेंस फैक्ट्स कोटेशनस भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह और क्लोजिंग पैराग्राफ दें विथ सिग्नलाइजिंग वगैरह ठीक है तो ये बिल्कुल ईजी है मैंने देखे आपको ब्रेन स्टॉमिंग की है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ब्रेन स्टॉमिंग मैंने कहा कि ये ब्रेन डिजर्ट्स की मैंने ब्रेन स्टॉमिंग की है अच्छा डिजर्ट्स में देखें वास्ट प्लेन ऑफ सेंड्स एंड स्टोन्स स्प्रिंग्स ऑफ वाटर्स हैविंग माउंटेन्स एंड हिल्स स्केस्टी ऑफ वाटर एंड ट्रीज हाउ मच इज रिस्की इज द डिज़र्ट हाउ मच रिस्की ये खत्म हो जाएगा हाउ मच इज़ रिस्की द डिज़र्ट्स कंक्लूजन भी है फिजिकल फीचर्स ऑस सहारा डिजर्ट मॉडल ऑसेज एंड ये देखिए मैंने आइडियाज़ ब्रेन स्टामिंग की है और इन आइडियाज़ को ही यहाँ पर कलेक्ट किया गया है ठीक है ये सारे आइडियाज़ ही यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं तो ये ब्रेन स्टामिंग होती है तो ये था हमारा ऐसे एक्सरसाइज नंबर थी हमारी ये डिस्क्रिप्टिव एसेज की एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज नंबर वन यूनिट वन पॉइंट फोर की एक्सरसाइज नंबर वन थी आया यूनिट वन पॉइंट फोर की एक्सरसाइज नंबर टू ये है आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क घर में जाके करना है आप ख़ुद कोशिश करें आप बेहतरीन ऐसे लिख पाएंगे ठीक है वैसे मौजूद भी हैं बहुत सारे ये एसेज आपको हर नेट पे मिल जाएंगे आपको मतलब बहुत सारी बुक्स है इकरा वालों की गाइड में मिल जाएंगे एक प्रैक्टिकल सेंटर में मिल जाएंगे हर जगह पर मिल जाएंगे और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करें मैं आप इसलिए नहीं लिख रहा हूँ एसेज क्योंकि हर जगह आप लोग मिल जाएंगे आप अपनी प्रैक्टिस करें अगर इस ऐसे को समझ के मैंने ब्रेन आपको दिखाया है सब कुछ दिखाया है अच्छा ये लेटर्स का तरीका जो है नया तरीका बताया गया है पहले लेटर ये समझाने के लिए अब तीसरी एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज नंबर थ्री जो है फॉर्मल लेटर्स बताए गए हैं अच्छा फॉर्मल लेटर्स बताए गए हैं तो लेटर्स पहले जो लिखते थे ये तीन किस्म के लेटर्स थे टाइप्स ऑफ लेटर्स लेटर टू रिलेटिव्स लेटर टू फ्रेंड्स लेटर टू एडिटर्स नाइन्थ क्लास में पहले ये लेटर शामिल नहीं था ये मेट्रिक में शामिल था लेटर टू एडिटर ये लेटर लिखे जाते थे पहले अच्छा इनका तरीका भी कुछ अलहदा था मैंने आप मैं आपको तरीका दिखाता हूँ इन लोगों इनका इन लेटर लिखने का जो मैंने आपको लेटर दिखाए हैं ठीक है इन लेटर का तरीका जो था ये तरीका मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सॉरी इन लेटर का तरीका तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड नहीं किया मैं आपको कहीं और जगह पे दिखाता हूँ ये लेटर का पैटर्न है ठीक है ये लेटर का पैटर्न है यहाँ पे ये लेटर का पैटर्न लिखा जाता था सिक्स पॉइंट्स थी लेटर की जनरल पैटर्न फॉर लेटर पुराने लेटर टू फ्रेंड्स एंड लेटर टू रिलेटिव ब्रिटिश तरीका ये जो था अभी अमेरिकन तरीका दिया गया है अच्छा सिक्स पॉइंट्स कौन सी थी सेंडर्स एड्रेस ऊपर ऊपर सेंडर्स एड्रेस देना है नंबर फर्स्ट पे उसके नीचे बिल्कुल डेढ़ देनी है ठीक है अच्छा उसके बाद माय डियर ब्रदर ओपनिंग सैल्यूटेशन भी इसको बोलते हैं नंबर थ्री फिर बॉडी लास्ट में आप लोग लिविंग सेलूटेशन एंड सिग्नेचर देते हैं और सिक्स पैटर्न जो होता है सबको इनवेलप में बंद कर दें यह तरीका है पैटर्न था पुराना <coughs> पुराना तरीका था ये जो मैंने आप लोगों को बताया ठीक है लेटर राइटिंग का तो <coughs> ये लेटर जो देखो एक स्टूडेंट ने लिखा है लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ये देखो तरीका वही दिया गया है पुराना तरीका ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये बॉडी दी गई है ठीक है यहाँ पे डेट भी दी गई है तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव और सिक्स वाला तरीका जो है वो इनवेलेब में सबको बंद करना है ठीक है तो ये लेटर दिया गया है आप लोगों का तरीका लेकिन यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैसे लेटर का तरीका बताया गया है माइंड में रखिएगा लेटर लिखने से पहले आप लोगों को लेटर के तरीके पे पैटर्न पे लेटर एंड एप्लीकेशन की बात बात कर रहा हूँ पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करें अगर आपको पैटर्न आ गया तो आप यकीन रखें कि आपके असेसमेंट करने वाले जो होते हैं हाफ़ नंबर आपके कन्फर्म है मैं भी असेसमेंट करता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाफ़ नंबर आपके कन्फर्म है ठीक है तो ये अमेरिकन पैटर्न है हाउ टू राइट अ लेटर ये लेटर टू एडिटर्स दिए गए हैं यहाँ पे ठीक है मैं आपको ये नहीं पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन लेटर टू एडिटर्स दिए गए हैं एडिटर को ख़त लिखते हैं हम लोग आजकल जो लेटर टू फ्रेंड्स है मोबाइल का जमा मोबाइल का ज़माना है तो हम मोबाइल में मैसेज ही कर लेते हैं फ्रेंड्स को लेटर नहीं लिखते ऐसे समझें कि लिखते ही नहीं हैं लेटर ख़त लिखे ही नहीं जाते आजकल फ्रेंड्स को और पेरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है मीडिया का ज़माना है टेक्निकल टेक्निकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लेटर नहीं लिखे जाते हैं तो आजकल जो है लेटर लेटर टू एडिटर्स बहुत फेमस हैं जो न्यूज़पेपर्स होती हैं बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स उनमें लेटर लिखे जाते हैं दिए जाते हैं आप लोगों के एरिया में कोई मसला है आप वज़ी अजम को बताना चाहते हैं इमरान ख़ान को तो इमरान ख़ान हर किसी शख्स से तो नहीं मिल पाएगा ना एक दिन में वगैरह वगैरह क्योंकि बहुत सारी आबादी है तो हर कोई शख्स के पास हर पता नहीं कितने मसले हैं तो आप कैसे बताएंगे वो मसला इमरान खान को तो आप एक रिसोर्स ढूँढेंगे ज़रिया ढूँढेंगे मीन्स ढूँढेंगे अब वो मीन्स कौन सी है न्यूज़पेपर आप वो मसला न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएंगे और वही आपको वही मतलब इमरान खान के पास चला जाएगा तो ये तरीका होता है ठीक है लेटर लिखने का <coughs> सही है तो मतलब लेटर टू एड्रेस ही को ही बोलते हैं आप एडिटर को लेटर लिखते हैं कि भाई उसको रिक्वेस्ट करते हैं या उसको बोलते हैं कि ये हमारे एरिया में हमारी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का मसला है और हमें ये आप पब्लिश करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी के जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो पढ़ें लेटर को और वो फिर हमारी एरिया को माइंड में रखें ऐसे वज़ी अजम भी पढ़ सकता है वो वगैरह वगैरह वही मतलब एक्शन ले सकता है वगैरह तो ये मतलब जनरल प्रॉब्लम आपकी एरिया का होता है आप अथॉरिटीज को मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी के होते हैं सिटी के होते हैं या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अखबार के ज़रिए पहुंचा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को ये डेट लिखनी है ऊपर इधर से ही शुरू करना है लेटर अच्छा ये लाइन थोड़ी गैप है इसके में तो आप लोग लिख रहे हैं तो लेफ़्ट से ही स्टार्ट करेंगे लेटर को ये सारी चीज़ें आजकल लेफ्ट में है राइट ख़त्म हो गया है सबसे पहले डेट लिखेंगे अच्छा उसके बाद द एडिटर लिखेंगे टू अब नहीं लिखेंगे फॉर्मल लेटर में टू नहीं लिखा जाता ठीक है उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम उसके बाद कराची लिखेंगे ठीक है तो आप लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले पहले डेट लिखी हुई है फिर एडिटर फिर डेलीडॉन फिर आप कराची या किसी और शहर में हैं अच्छा इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है इस लेटर में सब्जेक्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बताया गया है अच्छा इसमें रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है डियर सर लिखना है रेस्पेक्टेड सर मतलब आपसे बड़ा नहीं हो सकता है एडिटर आप भी ऑफिसर बन सकते हैं या आप भी ऑफिसर हैं या आप भी एक रेस्पेक्टेड uh, सिटीज़न है तो डियर लिखें उसको प्यारे सर ठीक है तो बेहतर है अच्छा देखें एक ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कैसे बयान किया गया है यहां पे? इन पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में सैकड़ों लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं द मीडिया एंड द गवर्नमेंट फोकस ऑन लॉट ऑन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन देन एक्ट्स ऑफ टेरिज्म डायरेक्ट पॉइंट पे आया है डायरेक्ट पॉइंट पे घुमा फिरा के डायरेक्ट एक सेंटेंस या दो से उधर करके फिर डायरेक्ट पॉइंट पे आए कि भाई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स क्या हैं उनको क्यों आप सीरियस लें द मेन रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स आर मेन रीजंस क्या हैं एक्सीडेंट्स के जो रीजंस बताए गए हैं इसमें इसमें रीजंस बताए गए हैं ठीक है न रीजन्स कौन से हैं ये मेन रीजन्स बताए गए हैं अच्छा रीजन्स कौन से हैं पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल्स जो व्हीकल्स गाड़ियों की पुअर कंडीशंस होती है वायोलेशन ऑफ ट्रैफ़िक रूल्स ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन होती है यूज़ ऑफ़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो ध्यान हम ध्यान हमारा तोज्ह हमारी हट जाती है अंडर एज चिल्ड्रेन ड्राइविंग या जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं बेड रोड एक्सीडेंट्स कंडीशन रोड की कंडीशन ख़राब है एंड डेम आर नो स्ट्रीट लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं ये रीज़न्स हैं तो गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स लाइक अच्छा ये जो सेंटेंस होता है ये जो पैराग्राफ होता है ये जनरल होता है हर लेटर में जनरल होता है ये आपको रटा रटा कर मतलब रटना चाहिए ठीक है और गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू द मीडिया एंड ट्रेनिंग द ट्रैफिक पुलिस सो दैट द नंबर ऑफ कंसीडेंट्स एक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड अच्छा यहाँ पे एक सिटीज़न बताया गया है कंसर्न सिटीजन किसी का नाम नहीं बताया गया मतलब कंसर्न सिटीजन मुल्तान मतलब एक शहरी है मुल्तान का वो उनको एक रिक्वेस्ट मतलब रीज़न्स बता रहा है कि आपका ये मसला है और इस मसले को हल करें ठीक है तो ये मतलब वो क्या कर रहा है कि भाई रीज़न्स बता रहा है कि ये रीज़न् इस वजह से ये मसला हो रहा है इस मसले को हल करें इस मसले पे तोजह दें उनको बता रहे इस मसले पे तोजह दें ठीक है और इस मसले को हल करने की कोशिश करें आपको जो बेहतर तरीका लगे लेकिन इस मसले पे तोज्जा दें देखें ना यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेटर ये सारा इधर से ही स्टार्ट हुआ है लेटर मतलब इधर ही सारा सब कुछ बताया गया है ठीक है तो ये है लेटर्स टू एडिटर्स आज जो फोकस किए जा रहे हैं लेटर टू एडिटर्स ठीक है और दूसरा भी एक लेटर्स बताया गया है यहाँ पे बैनिंग प्लास्टिक बैग्स बताई गई हैं और तरीका वही बताया गया है डेट एडिटर यहाँ पे आ, एक्सप्रेस ट्राइब्यून को लिखा गया यहां है यहाँ पे डेली डॉन न्यूज़पेपर है यहाँ एक्सप्रेस ट्राइब्यून है तो बैनिंग बैनिंग प्लास्टिक बैग्स मतलब वो अब, आ, सजेस्ट कर रहा है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको बैन करें जो राइटर है ठीक है डियर मैडम वो सर को लिखा गया है ये मैडम को लिखा गया है एक मर्द को लिखा गया है एक औरत को लिखा गया है प्लास्टिक बैग्स काज लैंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज प्लास्टिक कैन टर्न गुड फर्टाइल लैंड इन टू बैरन ब्लैंड दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लास्टिक बैग टेक्स मोर देन फिफ्टी ईयर्स टू ब्रेक डाउन इन अ लैंडफिल अच्छा ये मतलब प्लास्टिक बैग्स के बारे में बता रहा है कि प्लास्टिक बैग खराब है और साइंटिफिक सजेशन भी दे रहा है ठीक है ना ये कि भाई प्लास्टिक बैग ख़राब है सजेशन भी मिल रही है और इसमें एक नाम भी लिखा गया है जिसने लिखा है उसमें नाम नहीं है इसमें नाम है क्योंकि ये बंदा सजेस्ट कर रहा है कि मेरी सजेशन ये है ये जनरल मसला नहीं है किसी एरिया का मसला नहीं है ये जनरल मसला है और मेरी सजेशन ये है कि प्लास्टिक बैग को ख़त्म करें ठीक है ना पर्टिकुलर एरिया का मसला नहीं है ये पर्टिकुलर एरिया का मसला है इसलिए किसी शहरी ने बताया है उस एरिया के शहरी ने ये जनरल मसला है किसी एक शख्स ने सजेशन दिया कि भई मुझे ये लगता है कि प्लास्टिक में ख़राब है आपको एक एक्शन लेना चाहिए ठीक है तो पैटर्न आप लोग याद कर लें मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये पंक्चुएशन में लिखा गया है ब्रिटिश स्टाइल में देखो ना एडिटर के बाद कॉमा वगैरह वगैरह फुल स्टाफ पूरी मीडिया मैडम में कॉमा और ये सारा पंक्चुएशन में है अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स मैंने बनाए हैं ये क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर मैंने बनाए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन जो है टू वुच न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर सेटर वर दीज टू लेटर दीज लेटर्स रिटन दो लेटर्स लिखे गए हैं कौन सी न्यूज़पेपर्स के लिखे गए हैं तो फर्स्ट वन लेटर इज़ रिटन टू द एडिटर ऑफ डेली डॉन न्यूज़पेपर पहला डेली डॉन न्यूज़पेपर और दूसरा एक्सप्रेस ट्राइब्यून को लिखा गया है ठीक है आप लेटर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा आर दीज लेटर्स एड्रेस टू अ मैन अ वुमेन द फर्स्ट वन इज टू अ अन एंड द सेकंड वन इज टू अ वुमेन पहला इंसान इन, आदमी को मर्द को लिखा गया है दूसरा औरत को लिखा गया है क्योंकि उसमें डियर सर लिखा हुआ है इसमें डियर मैडम लिखा हुआ है ट्राइब्यून में जो लेटर है उसको उसमें डियर मैडम है और जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून में और डेली डॉन में लिखा गया है उसमें मेन है ठीक है वाट प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन लेटर वन एंड इन लेटर टू कौन से प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किए गए हैं इन द लेटर वन इन द लेटर वन वन सॉरी मैंने लिखना भूल दिए भूल गया हूँ लेटर वन है यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड इन लेटर टू द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड पहले लेटर में ट्रैफिक इंसिडेंस एक्सीडेंट वाला प्रॉब्लम है दूसरे में प्लास्टिक बैग्स ठीक है अच्छा वच ऑफ़ दीज लेटर्स गिव्स रीजन्स फॉर द प्रॉब्लम कौन से लेटर्स प्रॉब्लम्स जिसमें रीजन्स बताए गए हैं प्रॉब्लम में पहले वाले लेटर में लेटर वन गिव्स रीजन्स रीज़न्स बेड रोड कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट बैड रोड कंडीशन तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है वैसे और भी बहुत सारे रीज़न्स बताए गए हैं ठीक है, है ना तो मैंने सिर्फ एक जैसे कि मोबाइल है मोबाइल यूजिंग वो जैसे कि अंडर चाइल्ड ड्राइविंग तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर तो पर बताया है रीजन एक वच ऑफ दीज लेटर गिव सजेशन ऑफ बैनिंग प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बैग्स को बैन करें वो सजेशन दिए उन्होंने इसमें ठीक है डू वी नो हु रोट लेटर्स रोट बोथ दीज टू लेटर्स द राइटर्स नेम ऑफ फर्स्ट लेटर इज मिस्ड लेटर्स का नाम मिस्ड है रेस्पांसिबल सिटीजन है एंड द सेकेंड वन इज़ रिटेन बाय मुनीर अलताफ़ दूसरा लेटर जो है मुनीर अलताफ ने लिखा है अच्छा वाई इज़ द नेम ऑफ वन वन लेटर इज़ वन राइटर मिसिंग एक राइटर का नाम क्यों मिस है बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ जनरल नॉट पर्टिकुलर टू वन पर्सन ये प्रॉब्लम जनरल है किसी एक आदमी का मसला नहीं है जनरल मसला है इसलिए इसका नाम मिस है ठीक है तो ये तरीके थे लेटर लिखने के मैंने आपको बताए हैं आपको तरीका जानना चाहिए पुराने तरीके हैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको तीन किस्म के लेटर लिखे जाते थे अब दो किस्म के लेटर को ख़त्म करके क्योंकि मोबाइल का ज़माना है सिर्फ एक किस्म लेटर का दिया गया है यहाँ पे फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं ये पुराना तरीका है यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है राइट से इधर इधर से स्टार्ट होता है इधर पे ख़त्म होता है बाकी सारी चीज़ें सेम होती है डेट नीचे होती है लेकिन अभी जो मॉडर्न तरीका है लेटर का वो शुरू होता है कहाँ से इधर से शुरू होता है यहाँ से ठीक तो यहाँ पे ख़त्म होता है ठीक है तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है और यही लेटर था और यहाँ पे बता कह रहे हैं कि आप खुद प्रैक्टिस करें लेटर लिखने की प्रॉब्लम लिखने लगी ब्रेन स्टॉम आइडियाज़ वही ब्रेन स्टॉम आइडियाज ब्रेन स्टॉम करें लेकिन इतने इसमें ब्रेन स्टॉम करने की ज़रूरत नहीं है एक दो आइडियाज़ हैं भाई वो खुद दे सकते हैं आप लोग सिलेक्ट द आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन लेटर डिसाइड द नेम ऑफ़ द न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर का नाम डिसाइड करना है आप लोगों ने द डेली टाइम्स है या द न्यूज़ है या द डेली डॉन है या कोई और भी न्यूज़ पेपर बहुत सारे होते हैं एंड द जेंडर ऑफ़ द एडिटर एंडिटर एडिटर का जेंडर भी चूज़ करें डियर मैडम लिखें डियर सर लिखें स्टेट द प्रॉब्लम इन पैराग्राफ नंबर वन प्रॉब्लम पहले पैराग्राफ में लिखा लिखना होता है जो भी मसला होता है पहले पैराग्राफ में लिखना होता है बाकी लिस्ट द प्रॉब्लम रीजंस रीजंस जो वो दूसरे पैराग्राफ में लिखें गिव आइडियाज़ ओपिनियन सजेशन टू द कंसर्न बॉडी इन तीसरे पैराग्राफ में मतलब दो सजेशन दी जाती है वोकेबल का ख्याल रखिएगा तो तीन पैराग्राफ आप लेटर में लिख सकते हैं या दो पैराग्राफ लिखें पहले पैराग्राफ में आप आ, पहले पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं कवर लेटर में आइडिया सेलेक्ट करें सॉरी तो पहले पैराग्राफ प्रॉब्लम दें दूसरे पैराग्राफ में रीजन दें उसके बारे में ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को लेटर लिखने का तरीका और एक्सरसाइज सल सॉल्व करवाई है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी आई होप अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड गिव कमेंट्स थैंक्स सो मच